इस वीडियो में हम बात करेंगे खुश रहो पाकिस्तान के नए सीज़न के बारे में, जिसमें चैंपियंस वर्सेस टिकटॉक हो रहा है। अब चैंपियंस में से यहाँ पे बिलाल हैं, जो कि आप सबको पता है कि गेम शो ऐसे चलेगा में चैंपियंस टीम हार गई थी और वहाँ से बिलाल को निकाल दिया गया और दोबारा नए सीज़न में नहीं लिया गया। इस वजह से खुश रहो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आके बिलाल काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं दानिश तैमूर की। सबसे पहले इनका कहना है कि हम गेम शो में जो हारे हैं वो दानिश तैमूर की वजह से हारे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ फेयर नहीं करते थे और हमारी इंसल्ट करते रहते थे। दूसरे नंबर पे इनका कहना है कि दानिश तैमूर हर चीज़ में टिकटॉक टीम को ही सपोर्ट करते थे, उनको फेवर देते थे, हमारी नहीं सुनते थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात कर रहे हैं, और आप सबको भी पता है कि बिलाल जो है अपनी इज्जत की वैसे ही परवाह नहीं करता और फुटेज खाने के चक्कर में होता है। और यहाँ पे बिलाल ये भूल रहा है कि ये दोनों गेम शोज़ जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म के हैं, बोल नेटवर्क के हैं। यानी जहाँ से होके आया है बिलाल दानिश के शो से, गेम शो से, वहाँ पर अब यहाँ आके दानिश की इंसल्ट कर रहा है, कल यहाँ पर फैसल की भी इंसल्ट करेगा। और इस बिलाल की बात पे फैसल कुरैशी ने भी उनको जवाब देते हुए बताया कि दानिश तैमूर जो हैं काफ़ी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और फेयर गेम करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो उनकी सच है बिल्कुल, फैसल कुरैशी की, दानिश तैमूर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है यहाँ पे बिलाल सिर्फ फुटेज खा रहा है, और फुटेज खाने के चक्कर में उसको पता नहीं है कि वो इतने बेहतरीन और टैलेंटेड आर्टिस्ट पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो फेयर गेम नहीं कर रहे। जबकि किसी भी गेम शो का होस्ट जो होता है वो दोनों तरफ से न्यूट्रल होता है और फेयर फैसला करता है। तो अब आप हमें मज़ीद बताएं कि बिलाल का ये सब करना सही है या गलत है, या क्या वाकई दानिश तैमूर ने अनफेयर किया है? क्योंकि ये हम तो हमें सबको पता है कि बिलाल सिर्फ फुटेज खाता है और फुटेज खाने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं करता। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।